हाय फ्रेंड्स, डेज किचन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए रोस्टेड पोहा चिवड़ा की एक बेहतरीन रेसिपी लेके आया हूँ। एकदम कम ऑयल यूज करके हम इसे बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में। आधा किलो पतला पोहा यूज करके इसे बनाएंगे, लेकिन चिवड़े का फाइनल वेट होगा 1 किलो। एयर टाइट कंटेनर में इसे आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। पतला पोहा लिया है मैंने आधा किलो, और इसे छान के लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसे छान के लेंगे, और बाकी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली है, जिसमें है मूंगफली 50 ग्राम, 50 ग्राम रोस्टेड चना दाल, 2 टेबलस्पून तिल, काजू 50 ग्राम, 10 से 12 हरी मिर्च कटी हुई, फिर 50 ग्राम हमने रेजिन्स लिए है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड और 1 कप करी लीव्स, रिफाइंड ऑयल 5 से 6 टेबलस्पून, मुरमुरा 100 ग्राम, फिर ड्राई कोकोनट हमने लिया है 50 ग्राम। जैसे मैंने पहले बताया, पतला पोहा आधा किलो, पिसी हुई शक्कर 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून हींग। कुरमुरा और पोहा हमें सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना है। मार्केट से जब आप लाते हो तो कभी कभी वो सॉगी होता है, थोड़ा सा नरम होता है, तो इसके लिए ड्राई रोस्ट करना है। पहले से बर्तन गर्म मत कीजिए, पहले बर्तन में डाल लीजिए कुरमुरा और फिर फ्लेम स्टार्ट करना। ये देखिए, धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद ऐसा क्रिस्पी हो जाएगा कुरमुरा। अब बारी है पोहा रोस्ट करने की। सबसे पहले पोहा पैन में या अगर कढ़ाई में रोस्ट कर रहे हो तो कढ़ाई में पहले डाल देना, फिर हीट स्टार्ट करना, क्योंकि पहले ही हीट आप स्टार्ट कर दोगे तो पोहा नीचे से जलने के चांसेस होते हैं। और पलटा जब आप चलाओगे ना तो बहुत प्यार से, बहुत धीरे से चलाना, क्योंकि पोहा टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो आराम से इसे इस तरह से टर्न करते रहना है, धीमी आंच पर इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह से रोस्ट करते रहना है। आप देखेंगे 4 से 5 मिनट के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिवाली जल्दी आ रही है, तो दिवाली के त्यौहार पर बनाने के लिए बहुत बढ़िया स्नैक है ये। कोई त्यौहार हो या बाकी टाइम पे भी खाने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। बहुत कम ऑयल में हम इसे बनाने वाले हैं। पोहा एकदम क्रिस्पी हो चुका है, उसके अंदर कुरमुरा भी मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है दोनों को, और इसे हम निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब दूसरा पैन गर्म करके इसके अंदर कटा हुआ जो सूखा नारियल है वो डाल देंगे। 50 ग्राम सूखा नारियल मैंने इसके अंदर डाला है, और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। वैसे तो कोकोनट के अंदर ही ऑयल होता है, लेकिन थोड़ा ऑयल डालने से ये पैन में भूनते वक्त इसे कलर और अच्छी तरह से आएगा। आप देखेंगे 2 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और इसे अब डाल देंगे पोहा और मुरमुरा का जो मिक्सचर है इसके ऊपर। उसी पैन में वापस से पैन गरम करके इसके अंदर डालना है 50 ग्राम रोस्टेड चना दाल और 50 ग्राम मूंगफली। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन उसके लिए हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल इसके अंदर। बस इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है इस तरह से। अच्छी तरह से रोस्ट हुआ है कि नहीं ये खुशबू से पता चलता है आपको, और इस तरह से ये ब्राउन कलर आना चाहिए। ये देखिए ब्राउनिश कलर आया हुआ है, और ये जो चना दाल है और मूंगफली है ये डाल देंगे ये पोहा का जो मिक्सचर है इसके ऊपर। वापस वही पैन गरम करके इसमें 50 ग्राम हमने काजू डाले हुए और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर भी मैंने ऑयल डाला है। ये देखिए एकदम कम ऑयल में हम ये सब कर रहे हैं। वैसे तो जब चिवड़ा बनाते वक्त ये सब चीज़ें फ्राई करके डालते हैं, लेकिन हम कम से कम ऑयल में ये चिवड़ा बना रहे हैं। काजू को थोड़ा सा कलर आने के बाद आपको रेजिन्स डालने हैं, क्योंकि पहले आप डाल दोगे तो काजू कच्चे रह जाएंगे। रेजिन्स ब्राउन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए रेजिन्स भी अब फूल चुके हैं एकदम, है ना। अब इसे डाल देंगे ये जो पहले जो चीज़ें डाली है हमने इसके ऊपर। बस अब लास्ट पार्ट बाकी है, एक बढ़िया सा तड़का बनेगा, और ये तड़का डालना है हमें पोहे के ऊपर। बस पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल हम गरम कर लेंगे, और इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड सीड 1 टेबलस्पून। जैसे ही सरसों के दाने फूटने लगेंगे उसी वक्त डालना है हमें
जो 10 से 12 हरी मिर्च हमने काट के रखी है वो डाल देंगे इसके अंदर। इसे अच्छे से चलाना है, मिर्च पूरी तरह से फ्राई होनी चाहिए। और अब इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता, 1 कप कड़ी पत्ता हम डाल देंगे इसके अंदर। इसे भी एकदम कुरकुरा फ्राई करना है। जब भी चिवड़ा खाते खाते कड़ी पत्ता दांत के नीचे आता है ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है चिवड़ा। 2 टेबलस्पून मैंने तिल डाल दिया है इसके अंदर, और थोड़े से तेल में मैं यहाँ पर इसे अलग से फ्राई कर रहा हूँ। और कड़ी पत्ता ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, और अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। इस खुशबू से पता चल रहा है चिवड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। लो फ्लेम पे इसे हम रोस्ट कर रहे हैं। ये तड़का सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से हर चीज़ रोस्ट होनी चाहिए तेल के अंदर। 1 टेबलस्पून अब इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, और गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मसाले जब हम इसके अंदर डालेंगे तो जलने नहीं चाहिए। सिंपल मसाले हैं, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, इससे चटपटा बनता है चिवड़ा। 1/2 टीस्पून हींग ज़रूर डालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है फ्रेंड्स। अभी भी पैन गर्म ही है तो सब मिक्स कर लेंगे, और ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। 1 टेबलस्पून नमक भी इसके अंदर डाल देंगे, और फिर एक बार मिलाकर इसे जो पोहा का मिक्सचर है इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है आपने देखा, और मसाले भी वही है जो हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं। टी टाइम स्नैक के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस चिवड़े की भेल भी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसके अंदर अनियन, टोमेटो, थोड़ा धनिया और नींबू का रस, ये सब डालना है, मिक्स करना है और खाना है, बहुत टेस्टी लगता है। चिवड़ा हमने मिक्स कर लिया है, और ठंडा होने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। इसे इस तरह से मैंने छान लिया है अच्छे से, और इसे कर लेंगे मिक्स। वाव, आप देखेंगे 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद धीरे धीरे हल्दी का रंग इसके ऊपर चढ़ेगा। इसे एक बार चख लेंगे, कुछ कम ज़्यादा है तो सीजनिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा नमक कम है, तो 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून पिसी हुई जो शक्कर है वो भी डाल देंगे। इसे कर लेंगे मिक्स। अब ये बन गया है परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरी आपसे गुजारिश है, इस दिवाली में जब घर पे चिवड़ा बनाओगे तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए। एक तो हेल्दी है, कम ऑयली है, लेकिन टेस्ट में नंबर 1। देव्स किचन पर मैंने कोल्हापुरी भड़ंग, थिक पोहा, ड्राई फ्रूट चिवड़ा, ये रेसिपीज भी शेयर की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी।